हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत 20 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक की। अगर आप लोग यह 20 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका हिंदी के अंतर्गत 95+ बिल्कुल एकदम 16 फरवरी को आप लोग फोड़ कर आएंगे। अब ये 20 टॉपिक आपके कौन कौन से हैं और इसमें देखिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पर गद्य और पद्य की बात करें तो इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से वो चैप्टर हैं, कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो कि आपको बिल्कुल अब से पढ़ना स्टार्ट कर देना है और 16 फरवरी के आपके बिल्कुल एकदम समझ लीजिए यही बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे के सारे टॉपिक एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर इतना ही पढ़ लेते हैं, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तब भी दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इतना पढ़ लेते तो हिंदी में 95+ नंबर लाना आपसे जो है बिल्कुल एकदम आसान होगा, बिल्कुल आप 95+ लाने वाले। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी प्रकार से आपको डेली एक एक वीडियो में जो है मिलने वाला हर एक सब्जेक्ट पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला आपका जो टॉपिक है वह आपका होता है महत्वपूर्ण गद्यांश और इससे संबंधित आपके जो है मतलब दो पैराग्राफ रहते हैं, दो आपके जो है गद्यांश पूछे जाते हैं और उसमें आपको एक का जो है सलूशन करना होता है जो कि आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए यहां पर आपको दो चैप्टर पढ़ने, ठीक है, जो गद्यांश आपको तैयार करना है वह आपको दो चैप्टर तैयार करना है। पहला आपका है राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आपको दूसरा तैयार करना है अशोक के फूल। मतलब दोस्तों जो आपका गद्यांश आएगा वह इन दो चैप्टर से अगर आप लोग तैयार करते हैं तो समझ लीजिए आपका गद्यांश से जितने भी नंबर आएंगे वह बिल्कुल आपका पक्का होने वाला है। तो इसलिए आपको गद्यांश में आपको यह दो चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। बाकी आपको यहां पर यह फर्स्ट टॉपिक एकदम समझ लीजिए आपका क्लियर ही रहेगा। आपको यह दो चैप्टर पढ़ना है आपके बचे हुए टाइम में, ठीक है। तो आपके पास टाइम अभी जो है काफी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में है, तो आप लोग जो है ये दो टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट कवर कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरा टॉपिक आता है महत्वपूर्ण पद्यांश से, और पद्यांश में आपको यहां पर तीन टॉपिक पढ़ने हैं, तीन चैप्टर पढ़ने। मतलब पहला आपका है पवनदूती का, ठीक है, पवनदूती का पढ़ना है, और दूसरा आपका है श्रद्धा मनु, और तीसरा आपको गीत, गीत में आपको महादेव वर्मा जी का पढ़ना है, ठीक है, महादेव वर्मा द्वारा जो रचित है गीत। तो ये तीन टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं और दो आपको इससे, यानी पांच चैप्टर आपको गद्यांश और पद्यांश के अंतर्गत बिल्कुल पढ़ लेने हैं और इससे आपका 10-10 नंबर जो टॉपिक आता है वो बिल्कुल क्लियर होगा, यानी 20 नंबर आपके यहां से बिल्कुल पक्के होंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है आपका हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, और यह भी आपके 10 नंबर के लिए आते हैं बोर्ड एग्जाम में, 5-5 नंबर के हिंदी में आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह 10 नंबर के लिए आता है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी आपको कैसे करनी है, तो इस पर मैं आपको देखिए वीडियो एक एक ला रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो मैं बता रहा हूं उसको आप लोग अगर अच्छी तरीके से तैयार करते हैं, यानी कि आपको एक वीडियो में 20-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, तो आप उनको तैयार करते जाइएगा बोर्ड एग्जाम तक में आपके वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बिल्कुल आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। इसके बाद तीन टॉपिक यहां से आपके कंप्लीट होते हैं। देखते हैं चौथा टॉपिक जो कि आपकी कहानियां आती हैं, कहानियों में आपका पंचलाइन कहानी का उद्देश्य और सारांश पढ़ लेना है, और दूसरा आपको पढ़ना है बहादुर कहानी का उद्देश्य और सारांश, ठीक है। तो ये पांच टॉपिक यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। कहानियों में आपको दो कहानियां बिल्कुल पढ़ लेनी है, इनसे आपका बिल्कुल नंबर जो है क्लियर होने वाला है। इसके बाद आपका छठवां टॉपिक है अपने जिले पर आधारित एक जो है खंड काव्य। देखिए खंड काव्य आपका अपने जिले में निर्धारित है, जैसे श्रवण कुमार खंड काव्य की बात करें और भी मतलब के जो है कई सारे जो है खंड काव्य हैं वो आपको जो है जिलेवार दिए जाते हैं, तो इनमें आपको अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो भी पढ़ाया जाता है तो आप लोग इसको जो है पढ़ लीजिएगा। बाकी आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका खंड काव्य से जो है बिल्कुल अंक क्लियर ही रहता है, मतलब ये आपका निश्चित ही रहता है। इसके बाद आपको संस्कृत में पढ़ना क्या है, तो देखिए संस्कृत में आपको जो गद्यांश आता है उसमें आपको दो चैप्टर पढ़ने, पहला आपका है संस्कृत भाषा महत्वम, इसके बाद दूसरा जो आपका है वह आपका है महामना मालवीय। तो मतलब ये दो आपको पढ़ने हैं और इससे आपका गद्यांश जो 7 नंबर आता है, ठीक है, 10 यानी कि 2 नंबर आपका संदर्भ और 5 नंबर की इसमें जो व्याख्या होती है वो 7 नंबर आपका इनसे क्लियर हो जाएगा। तो ये दो आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, इस प्रकार से 7 टॉपिक यहां से आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और हिंदी में बिल्कुल देखिए आपको पता नहीं चला था कि कौन कौन से टॉपिक को हम पढ़ें, तो इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इसके बाद यहां पर आपका ये गद्यांश हो गया। अब बात करते हैं पद्यांश की, तो पद्यांश में आपको क्या पढ़ना है, संस्कृत में जो आपके श्लोक आते हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, तो वो आपका पहला है सुभाषित रत्नानी, और ऑलरेडी मैंने जो है 5 से 6 श्लोक जो है बता रखे हैं, तो आप लोग उनको पढ़ लीजिएगा। बाकी एक वीडियो और आपका आने वाला संस्कृत के ऊपर, ठीक है, जल्दी। तो यहां पर सुभाषित रत्नानी होगा, इसके बाद दूसरा आपका है जातक कथा। तो यहां पर दो चैप्टर इसमें पढ़ने गए पद्यांश के अंतर्गत, और आपको 10 चैप्टर जो है इसमें पढ़ने गद्यांश के अंतर्गत, तो 4 चैप्टर पढ़ेंगे और यह भी 7 नंबर का, तो यहां 14 नंबर आपका बिल्कुल पक्का होने वाला है ये चैप्टर पढ़ के, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक सारी चीज जो है देखते जाइएगा। ये 8 टॉपिक हुए। इसके बाद देखते हैं 9वां टॉपिक जो कि आपका आता है जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको कौन-कौन से जीवन परिचय पढ़ने हैं, तो देखिए यहां पर आपको लेखकों में 2 जीवन परिचय पढ़ने हैं,
लेखकों के दोस्तों आपको दो जीवन परिचय पढ़ने और पांच नंबर का एक जीवन परिचय आता है, तो इसमें आपका पांच नंबर का जो है लेखकों से और पांच नंबर का आपको आता है जीवन परिचय कवियों का, तो दस नंबर का जीवन परिचय आता है। तो इसमें आपको लेखकों में कौन कौन से पढ़ने, तो पहला आपको पढ़ना वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, दूसरा आपको पढ़ना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, मतलब यह दो जीवन परिचय आपको पढ़ना है, तो पांच नंबर आपका यहां से पक्का हो जाएगा। अब बात करते हैं कवियों में कौन कौन से जीवन परिचय पढ़ने, तो चलिए उनको भी देखते हैं। तो देखिए दसवां टॉपिक है आपका कवियों में आपको दो जीवन परिचय पढ़ने, ये भी पांच नंबर का आता है, ठीक है, तो पांच नंबर आपका यहां से पक्का हो जाएगा अगर आप यह दो जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। पहला आपका है जयशंकर प्रसाद जी का और दूसरा जीवन परिचय आपको पढ़ना है महादेवी वर्मा जी का। मात्र आप लोग यहां दो जीवन परिचय पढ़ लीजिए, आपका बिल्कुल यहां से पांच नंबर क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको दो जीवन परिचय यहां से पढ़ने हैं। अब यहां से आपका आता है काव्य सौंदर्य के तत्व। दोस्तों काव्य सौंदर्य के तत्व में आपको यहां पर तीन टॉपिक पूछे जाते हैं जो कि आपका छह नंबर का होता है। छह नंबर में आपका रस, छंद और अलंकार। रस के अंतर्गत मैंने आपको बताया जो काव्य सौंदर्य है दोस्तों, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया और ऑलरेडी कई सारे वीडियो हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी आपको यहां पर मैं बता देता हूं कि रस में आपको दो रस पढ़ने और छंद में भी आपको मैंने बताया था दो छंद पढ़ने, अलंकार में यानी कि दो दो आप पढ़ लीजिएगा और उससे आपका छह नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा। तो काव्य सौंदर्य के तत्व आपका देखिए निश्चित ही रहता है, इसमें आपका रस, छंद, अलंकार पूछा ही जाता है, तो ये आपको पढ़ लेना। इसके बाद निबंधों की बात करते हैं, निबंध में आपको कौन कौन से निबंध पढ़ना है क्योंकि नौ नंबर के लिए आता है, ठीक है। तो यहां पर पहला आपका भारत में बेरोजगारी की समस्या, और 9 नंबर यार काफी ज्यादा होते बोर्ड एग्जाम में, अगर 9 नंबर आपके कट गए तो समझ लीजिए आपका 2% यहां से डाउन होता है। तो ऐसे में पहला आपको पढ़ना है भारत में बेरोजगारी की समस्या और आतंकवाद की समस्या और समाधान, और इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। जल्दी दोस्तों इस वीडियो के बाद आपको मैं लाऊंगा कि निबंध कैसे लिखते हैं, तो इस पर मैंने एक जो है वीडियो बनाया है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर, काफी बेहतर तरीके से बताया कि आपको निबंध कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से, और बाकी आपको यहां पर इन्हें पढ़ लेना है। इसके बाद वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, और पांचवा टॉपिक आपका आता है साहित्य समाज का दर्पण है। तो ये पांच टॉपिक पर आपको निबंध तैयार कर लेना है, अगर आप इतना पढ़ लेते तो 9 नंबर आपका यहां से बिल्कुल पक्का होने वाला है। तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आपको जो है इनके लिखने की कोशिश करिए, मतलब कि देखिए निबंध क्या होता है, इसमें लिखने के नंबर मिलते हैं। अब आपको आता क्या है इससे मतलब नहीं, आप कॉपी में किस प्रकार से निबंध लिखते हैं ये काफी मैटर करता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए आप लोग कि निबंध लिखने का तरीका आपका बहुत ही बेहतरीन हो, ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से लिखने का आप लोग कोशिश करिए। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है महत्वपूर्ण आवेदन पत्र। देखिए दोस्तों आवेदन पत्र जो होते हैं वह भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के लिए आते हैं। अब इसमें आपको आवेदन पत्र कौन कौन से तैयार करना है, तो एक आपको तैयार करना है ऋण प्राप्ति के लिए, मतलब किसी बैंक से आपको लोन लेना है, तो उसके लिए आप लोग जो है एक आवेदन पत्र लिखना, और इसके बाद मैंने देखिए इस पर वीडियो बना रखे और नेक्स्ट वीडियो आपको इस पर और मिलने वाले हैं। तो चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, तो यानी कि जब मैं वीडियो डालूंगा तो उनका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। इसके बाद दूसरा आपका नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ठीक है, तो यहां पर मतलब कि किसी विद्यालय में आपको नियुक्ति लेना है कहीं पर प्रवक्ता पद के लिए, लेक्चरर के लिए, तो ये सारी चीजें आपको मतलब कि दो आवेदन पत्र आपको इनमें तैयार करने हैं, ठीक है, तो आपको ये दो टॉपिक पर आपको आवेदन पत्र तैयार करना, 13 टॉपिक आपके यहां से कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं 14 नंबर, तो महत्वपूर्ण मुहावरे लोकतियां, ये दो दो नंबर के आते हैं, इनको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना ही आपको आएगा, ठीक है, तो मतलब कि आप लोग ज्यादा ज्यादा इनको पढ़ने की कोशिश किया करिए। इसके बाद संधि विच्छेद हो गया 15 नंबर आपका, यहां पर 16 नंबर शब्द युग्म हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप सभी जानते हैं, ठीक है, वाक्य संशोधन, इसमें वाक्यों में गलतियां होती छोटी छोटी उनको सही करना होता है, 19 नंबर आपका विभक्ति एवं वचन से, और 20 नंबर शब्द और अर्थ से। तो मतलब यहां पर ये 20 टॉपिक अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में समझ लीजिए एकदम आपका जो है यहां पर 95+ बिल्कुल पक्का होने वाला है, क्योंकि देखिए यही जो टॉपिक होते हैं जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाते हैं, तो इसलिए इनको आप लोग बिल्कुल मजबूत करके रखिए। और आपको जल्द ही मैं हिंदी के ऊपर एक मैराथन क्लास लाने वाला हूं जिसमें आपको ये सारी चीजें सॉल्यूशन के साथ मिलने वाली हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।